नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। ज्योतिष शास्त्र में धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कई प्रभावी उपाय बताए गए हैं। कहा यह गया है कि ये उपाय घर में सुख समृद्धि लाने में मदद करते हैं, साथ ही इन्हें अपनाकर देवी लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बरसते हैं। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे विस्तार से, और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जी आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। तो माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाए, क्या कुछ उपाय होंगे, उसको लेकर विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई शंका है, कोई परेशानी अगर आपके जीवन में चल रही है, तो आप बेझिझक हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल भी तुरंत जान सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 0120-7153-787, 0120-7153-826। और चलिए बिना देरी किए आचार्य जी का रुख करेंगे और उनसे आज जानेंगे कि माँ देवी को, जो कि धन की देवी होती हैं, उन्हें कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारे जीवन में धन धान सुख समृद्धि कितने मायने रखती है। आचार्य जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि ज्योतिष शास्त्र में धन की जो देवी मानी गई है माँ लक्ष्मी, उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो लोग हैं दुनिया भर के तमाम उपाय करते हैं, लेकिन फिर और मेहनत भी करते हैं, जिंदगी भर मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी माँ लक्ष्मी जो है कई बार इतनी प्रसन्न नहीं हो पाती कि वो सुख समृद्धि के साथ अपना जीवन संपन्न कर सके। क्या ऐसे उपाय किए जा सकते हैं, कौन से ऐसे आसान उपाय हैं जिससे कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, धन की देवी प्रसन्न हो जाए, सुख समृद्धि हमेशा जीवन में बनी रहे। देखिए, आज का टॉपिक आपने वो रखा है अंकुर जी कि जो सभी को जरूरत है और सभी को माँ लक्ष्मी की कृपा की आवश्यकता है जी। और प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि माँ देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव भरपूर रहे और इससे बरकत बनी रहे। तो देखिए, प्रभावित तो जो उपाय हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। बहुत छोटे छोटे जो उपाय हैं जिन्हें व्यक्ति कर सकता है और उनके करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में बरकत होती है, और आपके घर में जब बरकत है तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है जी। घर में पूजा करते समय कपूर जरूर जलाना चाहिए, यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके सकारात्मकता लाता है। इसके अलावा शाम के समय पूजा में सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाएं, लेकिन उस दीपक में लौंग, दो लौंग जरूर डालें। ऐसा करना प्रतिदिन बहुत शुभ होता है और ये बहुत लाभ देता है। वहीं जब भी रोटी सेकें तो पहले तवे पर दूध के छींटे मारें, पहली रोटी गाय को दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में बरकत आती है जी। हर रोज पक्षियों को दाना जरूर डालें, ऐसा करने से कैरियर में तरक्की और बीच में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है जी। इन सबसे अलग बात करें तो बात यह है कि संध्या के समय सप्ताह में एक बार गूगल धुआं जरूर करनी चाहिए जी, क्योंकि ये हाई नजर सब चीजों को दूर करने में मदद करता है। हर गुरुवार को तुलसी के पौधे को दूध चढ़ाएं, आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार का दिन बेहद बेहद खास माना गया है जी। शुक्रवार की रात लक्ष्मी जी का विधि विधान से पूजा करके उन्हें दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर के खूब धन धान्य में बरकत करती है। साथ ही शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं, इससे शनि और मंगल ग्रह दोनों आपके ठीक होते हैं जी। तो ये कारगर उपाय हैं, बड़े छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उपाय हैं। इनके कर देने से अनेक अनेक प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं और घर में बरकत रहती है। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, जैसा कि आपने आचार्य जी बताया कि शुक्रवार का जो दिन होता है उस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है, तो मुझे याद है कि
वैभव लक्ष्मी की पूजा उस दिन की जाती है और तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण भी करती हैं, ऐसी श्रद्धा सभी की मैंने देखी है हमेशा से। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी की जो पूजा अर्चना जो लोग करते हैं, जो लोग व्रत करते हैं और जो करना चाहते हैं, उनके बारे में आपसे जानना चाहूंगी, क्या पूरा विधि विधान होता है इसका, किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, किस तरीके से आरती और पाठ अगर करना हो तो फिर कौन से पाठ कर सकते हैं, इसको लेकर आपसे जानकारी चाहूंगी। देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रसंग रखा है और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। हिंदू धर्म में मां वैभव लक्ष्मी का व्रत को धन वैभव सुख और समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देवी लक्ष्मी के इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। जिन लोगों के जीवन में आर्थिक संकट लंबे समय से बना होता है या फिर ग्रह कलेश आदि से परेशान होते हैं, उन्हें ये वैभव लक्ष्मी का व्रत जरूर करना चाहिए। जी, वैभव लक्ष्मी के व्रत में ये देखने वाली बात है कि ये शाम के समय खोला जाता है और शाम के समय खोल यानी व्रत को शाम के समय एक टाइम भोजन करके खोला जाता है। जी, अब वैभव लक्ष्मी कौन से महीने से शुरू करें? तो देखिए, सबसे प्रथम बात है शुक्र पक्ष से शुक्रवार का दिन जो आता है वहां से शुरू करें। फिर दूसरा प्रश्न होता है कितने व्रत करें। जी, तो वैभव लक्ष्मी के 16 या 21 शुक्रवार के व्रत करने चाहिए। इससे आपको विशेष लाभ होता है। और खास तौर पर क्यों ये व्रत क्यों करें, एक बड़ी बात है। जी, देखना है कि आम बात है कि कई महिलाएं अपने घर में सुख धन समृद्धि लाने के लिए 11 21 51 व्रत रखती हैं। इसलिए लोग इसे चमत्कारिक उपाय मानते हैं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्रत किया जाता है। शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है? देखिए अंकुर जी, शुक्रवार की सुबह हम ये सलाह देते हैं कि आप मॉर्निंग में स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रभात वेला में और फिर माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चन करें, और यदि सुबह नहीं करते हैं तो फिर संध्या के समय करें। जी, अब लक्ष्मी जी को कुछ करने के क्या करना चाहिए? शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में शंख कौड़ी कमल का फूल और मखाने आदि खीर गुलाब का इत्र ये इनको छड़ाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं जी, और घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं आती है। बिल्कुल, शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालने चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। और आप ये ध्यान रखें कि क्या हम सुबह वैभव लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं? तो देखिए, वैभव लक्ष्मी का व्रत का पारण सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए। जी, वैभव लक्ष्मी का व्रत करने वाले दिन व्रत रखना चाहिए। वैभव लक्ष्मी के व्रत को आमंत्रित स्त्रियों के साथ ही करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी का व्रत सामाजिक तौर पर भी किया जाता है, यानी सार्वजनिक रूप से भी आप कर सकते हैं। जी, बिल्कुल आचार्य जी। इसके साथ ही आचार्य जी आपसे जानना चाहूंगे कि प्रसाद में, भोग में हम माँ लक्ष्मी को क्या लगा सकते हैं? इसके साथ ही एक और सवाल कि कई बार मैंने देखा है कि लोग अपने पर्स में या फिर अपने लॉकर में, अपनी तिजोरी में कुछ ऐसी सामग्री होती है जो कि रखते हैं, जो कि माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं, तो वो कौन सी सामग्री जिससे कि धन धान संपत्ति जो है समृद्धि बनी रहे? देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि वैभव लक्ष्मी के व्रत में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को बिठा करके फूल चंदन अक्षत पुष्प माला पंचामृत दही दूध दही जल कुमकुम मौली दर्पण कंगा हल्दी कलश विभूति कपूर घंटी आमतौर पर पान के पत्ते भी और केले के पत्ते भी जी। ये धूप पत्ती प्रसाद दीपक आदि माँ लक्ष्मी को अर्पण करके और फिर आपको पूजा करनी चाहिए जी। ये सामग्री है और ये सामग्री जो है आपको बता दें कि माँ को प्रसन्न करने वाली है, और इन्हें आप जब विधान से पूजते हैं तो बड़ा लाभ होता है। अब कई लोग कहते हैं व्रत में घी या मूंगफली का तेल खाएं, कौन सा खाएं? तो आपको घी भी खा सकते हैं और मूंगफली का तेल भी खा सकते हैं, ये शुभ माने जाते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप आचार्य जी से सवाल कर सकते हैं।
हाँ जी, राधे राधे पंडित जी। पंडित राधे राधे बहन जी। जी, मैंने अपने पिता के बारे में पूछना है। उनका नाम है रशपाल सिंह, डेट ऑफ बर्थ 22 अगस्त 1969, टाइम सुबह 9 बजे, पंजाब में हुआ है इनका जन्म। पंडित जी, मैंने पूछना था कि इनके कोई काम नहीं बनते, बेवजह ही लोग शत्रु बनते हैं और ये हमारी बात भी नहीं सुनते। इनको बोलो कि पूजा पाठ करो, वो भी नहीं करते, ड्रिंक भी करते हैं ये। तो हमें बताइए क्या कारण है जो हमारी बात भी नहीं मानते, उनके काम भी नहीं बनते। देखिए बहन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपने पिता को लेकर के बड़ी चिंतित हैं, आपका बड़ा सम्मान है और हमारे यहाँ बागपल कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पिता जो शराब आदि पीते हैं वो उनका अपना राह होगा क्यों पीते हैं, लेकिन ये बंद करें और घर में सुख शांति और समृद्धि हो इसकी बात करें अपन तो ज्यादा ठीक रहेगा। और इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके पिता को आप प्रति शुक्रवार किसी सुहागन महिला को, कोई भी सुहागन महिला हो, उन्हें इनके हाथ से सुहाग का सामान दान कराइए। और यदि कर सकते हैं किसी भी सुहागन महिला को शुक्रवार के दिन बुला करके खीर पकवान आदि बना करके उन्हें भोजन कराएं, अवश्य वो ठीक होंगे और लाभ होंगे। जी, और आचार्य जी, दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, और भी दर्शक हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप। जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम पंडित जी, मैं भोपाल प्रसाद गौतम हाथरस से बोल रहा हूँ। जी भोपाल प्रसाद गौतम हाथरस से बोल रहा हूँ पंडित जी। जय श्री राम जय श्री पंडित जी। राम। मेरा सवाल एक तो ये है कि आपने मेरे भतीजे के बारे में बताई थी कि शादी 17 मई के बाद तय होगी, वो तय हो चुकी है, इसके लिए आपको धन्यवाद। दूसरी बहुत बात बहुत ये है कि बधाइयां, बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। पंडित जी, दूसरी बात ये है कि मेरे भाई साहब का नाम, बड़े भाई साहब है श्री राजेंद्र कुमार गौतम, बीच वाले भाई श्री इंद्र कुमार गौतम, मेरा नाम गोपाल प्रसाद गौतम है। और घर में बीमारी आदि लगी रहती है और कोई पितृदोष तो नहीं है, और ख्याल उठता है कि किसी ने कुछ करवा दिया है, तो पंडित जी कोई ऐसे उपाय बताए कि दोनों भाई ये बीमार रहते हैं, कुछ कुछ परेशानी आती रहती है, इनका कुछ ऐसा उपाय बताए कि जिससे हमारा जो है संकट दूर हो जाए। अब देखिए अंकुर जी, जी गोपाल जी हाथरस से हैं, अब इनकी बेटी भाई की बेटी का रिश्ता जो अपने तारीख बताया उसमें ही हो रहा है। जी इसका मतलब हम जो बताते हैं उसे क्रियान्वित लोग करते हैं, उसे पालन करते हैं, उसे आत्मसात करते हैं, तो अवश्य लाभ हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन जो लोग केवल मात्र सुनते हैं और सुनने के बाद भूल जाते हैं और फिर कभी जब भी जब कभी टीवी देखते हैं तो कॉल लगा देते हैं और कहते हैं कि काम नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा? जी काम कार्य करने से होता है। लेकिन यह मैं जरूर आपको कहना चाहता हूं कि हमारे दर्शक ऐसे नहीं हैं। बिल्कुल प्रत्येक दर्शक जो बताते हैं उनको आत्मसात करते हैं और बहुत बहुत श्रद्धा से कार्य करते हैं, और उसके परिणाम देखिए आप, प्रत्येक व्यक्ति हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जो हमसे कहता है काम बन गया, जी यही तो हमारी उपलब्धि है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा यही तो जी न्यूज मीडिया के सारे टीम को शुभकामना और आशीर्वाद प्राप्त होता है। बिल्कुल मैं आचार्य कहता जी, हूं कि आपको भी शुभकामनाएं, क्योंकि मार्गदर्शन आप ही करते हैं। नहीं, देखिए वो आपका कहना सही है, लेकिन सबका सहयोग होता है तभी संभव होता है ना। और ये कैलकुलेशन जो हम देखते हैं बड़ी गंभीरता से, एक एक ग्रहों को देख करके, डिग्रियों को देख करके, और फिर मैं कैलकुलेशन करके जी आपके समक्ष रखता हूं। आपके भाई के घर में दोनों भाई जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं गोपाल जी, आप डरिए मत, आप घबराइए मत, ये निश्चित रूप से ठीक होंगे। लेकिन आप एक छोटा सा प्रयोग कर दीजिए, और प्रयोग रहेगा गंगा जल और गौमूत्र दोनों को मिश्रण करके चांदी की कटोरी में लेकर के, और पीले फूल से पूरे घर में रोज छिड़कना चालू करें, और संध्या को गूगल धूप की धुआं करें, और नियमित रूप से कराइए, 101 दिन करिए, और यदि बन सके तो काले कुत्ते को पूरे घर से रोटी उस 4 बार 7 बार उसार के काले कुत्ते को दीजिए। कौओं को ब्रेड या दूध या खीर आप अपने छत पर खिलाना शुरू कर दीजिए, दोनों भाइयों से कहिए, और फिर 15 दिन बाद में आप कहेंगे कि हाँ साहब बहुत फर्क पड़ रहा है और काफी हद तक ठीक हो रहे हैं। ऐसी मंगल शुभकामना आपके लिए हमारी, और बहुत मंगल शुभकामना आपके लिए कि बेटी का रिश्ता तय हुआ है।
जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई गोपाल जी आपको। और भी दर्शक आचार्य जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप। जय श्री राम। श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय। अमित शर्मा बोल रहा हूँ पंडित जी, शुरू से। डेट ऑफ बर्थ है 29 जनवरी 1985। जी जी। रात को 10:20 और चूरू राजस्थान। क्या जानना चाह रहे हैं आप पंडित जी? के मैडम पंडित जी के मार्गदर्शन में काम करते हैं, तो पंडित जी से सवाल यही था कि अभी अगले महीने मकान का निर्माण शुरू करना चाह रहा हूँ, तो वो पूरा हो जाएगा क्या, शुरू कर लूँ क्या अगस्त में? आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं है। देखिए अमित जी, ये आप लोगों का बड़ा स्नेह है और मार्गदर्शन तो सही है, लेकिन प्रभु की कृपा से ही सब काम होते हैं। आप अगले महीने में जो कर रहे हैं वो सितंबर में करें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अगस्त के महीने में करना ठीक नहीं रहेगा, और सितंबर में भी 11 सितंबर की बात करें तो ही ठीक रहेगा। और उसके बाद मुहूर्त अच्छे व्यक्ति से दिखवा करके, और आपको कौन ले लेना, क्योंकि कौन बदलते रहते हैं, और उस कौन में ही मुहूर्त लगाना, और यदि हो सके तो आप प्राइवेट मेरे को प्रोग्राम के बाद फोन करके और मुहूर्त पूछ लेना, बता देंगे आपको। आपका मकान पूर्णतः होगा और बिना किसी कारण और बिना किसी रुकावट के कार्य होगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं है जी। बिल्कुल। और भी कॉलर्स हैं आचार्य जी हमारे साथ, बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। जी आराम से। देखिए अंकुर जी, प्रतिदिन हमारे कार्यक्रम से पूर्व है, आप मानिए कि 4:30 बजे करीब मैं उठ जाता हूँ, और 4:30 बजे से लेके 7 बजे तक, 7:15 बजे तक पूजा, नियमित दैनिक पूजा जो होती है मेरी अपनी, उसमें अपने गुरु जप और अपना, क्योंकि वो आसन से ही गुरु जप होता है, और इसके अतिरिक्त जो 4 घंटे पूजा होती है, 3 घंटे पूजा होती है, 3.5 घंटे पूजा होती है, 2.5 घंटे पूजा होती है, ये उसी का परिणाम है कि जो हम लोगों को बता रहे हैं उन्हें लाभ हो रहा है, उन्हें अच्छा लग रहा है, और आज लाखों लाखों लोग भागबल कार्यक्रम से जुड़ते हैं, तो इन सबको हम बहुत मंगल शुभकामना करते हैं। पर मैं आपको ये बता दूं, मैं गलतफहमी नहीं पालता हूं, ना तो मैं भगवान हूं, ना मेरी कही हुई वाणी अंतिम निर्णय है, और ना मैं भाग्य विधाता हूं, मैं केवल केवल मात्र आपकी जन्म पत्र देख करके एक मार्गदर्शन करने का कार्य करता हूं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो आप सभी को बड़ी मंगल शुभकामनाएं है हमारी ओर से। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। चलिए आचार्य जी, अब दर्शकों को आज की राशिफल भी बता देते हैं, बता देते हैं कि आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ करना होगा, क्या कुछ नहीं करना होगा। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों को आज अपने कार्य क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, स्वास्थ्य के प्रति सजगता आज आप बनाए रखें, सहकर्मियों का सहयोग आज आपको बना रहेगा, मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे, महत्वपूर्ण मामलों में आज धैर्य बनाए रखें, पेशेवरों का समर्थन आज आपको प्राप्त होने वाला है, नौकरी पेशा अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन आज जरूर करेंगे। और अब इसी के साथ अगली राशि का रुख करते हैं, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज वृषभ राशि वाले जातकों को आत्मनियंत्रण बनाए रखने की जरूरत है, शिक्षा संस्कार में बेहतर बनेंगे, व्यक्तिगत प्रयासों में आगे रहेंगे, परस्पर विश्वास आज आपका बढ़ेगा, चमोर आनंद का वातावरण बना रहेगा, भ्रमण मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे, मित्रों के साथ सुखद पल बिताएंगे, निजी मामलों में सुविधा बढ़ेगी, निरंतरता बनाए रखें। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। सुविधाओं पर फोकस बना रहेगा, निजी विषयों को बढ़ावा देंगे, आज सुख सौख्य में वृद्धि होती है, और मित्रों का साथ और विश्वास आज आपको बहुत मिलेगा, पारिवारिक विषयों पर सक्रियता दिखाएंगे, निजी कार्यों पर फोकस रहेगा, संसाधनों पर ध्यान देंगे,
प्रबंधकीय योजनाओं को गति आप देने वाले हैं। व्यक्तिगत विषयों पर रुचि आपकी बनी रहेगी। और अब अगली राशि का रुख करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। संपर्क संवाद का क्षेत्र आज आपका बढ़ेगा। लोगों से मेलजोल में उत्साह बनाए रखेंगे। जन कल्याण के कार्यों पर ध्यान दीजिए। गणितीय कार्यों में रुचि रहेगी। वाणिज्यिक प्रयास सफल रहेंगे। लाभकारी परिस्थितियों को बुनाए विभिन्न कार्य समय पर पूरा करेंगे। सामाजिक जिम्मेदारियों में आगे रहेंगे। बंधुत्व की भावना आपके मन में आज जागृत रहेगी। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। घर परिवार में इच्छित सफलता प्राप्त करेंगे। व्यक्तिगत मामलों में आज आपकी रुचि बढ़ेगी। आकर्षण का प्रस्ताव प्राप्त करेंगे। रक्त संबंध बल पाएंगे। सक्रियता और साहस बनाए रखेंगे। सबको साथ लेकर आज आपको चलना होगा। मेहमानों का आगमन बना रहेगा। भव्यता पर जोर देंगे। उत्सव आनंद बना रहेगा। परंपरागत कार्यों को आज बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। रचनात्मक विषयों को बेहतर बनाना आपका आज रुचि बनेगा। महान प्रयासों को गति देने का प्रयास करेंगे। दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ेंगे। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। निवेश और खर्च पर फोकस आज आपका रह सकता है। बजट पर अंकुश कठिनता से ही कर पाएंगे। व्यवस्था पर जोर बनाए रखने का कार्य करेंगे। और बात कर रहे हैं अगली राशि के लिए वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। आर्थिक वाणिज्यिक विषयों की शुरुआत आज आप कर सकते हैं। वाणिज्यिक अवसरों को बुनाएंगे। आर्थिक लक्ष्यों को साधने में आज आप सफल रहने वाले हैं। और बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज पैतृक मामलों में रुचि दिखाएंगे। चौ और शुभता का संचार होने वाला है। आज आपका प्रबंधन प्रशासन के कार्य बहुत सहजता से करेंगे और संपूर्ण चौ और से प्रशंसा प्राप्त करेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। भाग्योत उत्सव के रूप में आज बनेगा। चौ और सकारात्मक परिणाम सधेंगे। धर्म आस्था और विश्वास को बल आज आपको मिल रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी जातकों के लिए। आस्था विश्वास को बल देंगे। अप्रत्याशित घटनाक्रम में बना रहेगा और बहस विवाद और अनिर्णय की स्थिति से बचना चाहिए। सूझबूझ और सजगता से कार्य करेंगे। नीति धर्म का पालन करें। निजी विषय पक्ष में रहेंगे। परंपराओं को निभाएंगे। खान पान और सेहत को आज देखेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के। भूमि भवन के मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे। स्थायित्व को बल देंगे। मित्र संबंधों में घनिष्ठता आएगी। प्रियजनों का साथ सहयोग बना रहेगा। शुभ सूचनाओं से उत्साहित बने रहेंगे। जल्दीबाजी में निर्णय ना लें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आज रहने वाली है। आपके नेतृत्व में आज परिवार का भविष्य संवर पाएगा। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी
बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आपने दर्शकों को बताया क्या कुछ आज के दिन करना है उन्हें, कैसा आज का उनका दिन रहने वाला है, क्या कुछ आज के दिन उन्हें करने से बचना होगा। इसके साथ ही आचार्य जी, जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लगातार हर दिन हमारा जो प्रोग्राम है वो देखते हैं और लाभ भी होता है जिस तरीके से आप मार्गदर्शन देते हैं, धन्यवाद भी वो ज्ञापित कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा बधाई क्योंकि आप ही मार्गदर्शन कर रहे हैं हम सभी का। और इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आचार्य जी। देखिए अंकुर जी, सही बात यह है कि आप बड़े सरल और सहज हैं और बड़ी सोच रखने वाले व्यक्तित्व हैं, इसलिए आप धन्यवाद और प्रशंसा कर रही हैं। लेकिन सही मायने में यह है कि आपकी मधुरता, आपकी शालीनता, आपकी उत्सुकता, आपके डेडिकेशन, जो हमारे श्रद्धालु, हमारे दर्शक जो हमसे जुड़ते हैं उनके प्रति आपका प्राथमिकता, ये भाव जो है, ये सब मिलकर के ही लोगों के सबके कार्य बनते हैं। हमारी पूरी टीम को बहुत शुभ मंगल कामना, आपको शुभ आशीर्वाद, सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद, श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय। चलिए तो इसी के साथ फिलहाल के लिए भागीफल में इतना ही, लेकिन अब बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।